नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिना। खबर ग्वालियर से है, जहां मंगलवार को अखिल भारत हिंदू महासभा ग्वालियर में महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे नारायण आप्टे की बरसी पर उनकी पूजा अर्चना कर कार्यकर्ताओं को अखंड भारत का संकल्प दिलाएगी। ग्वालियर वैसे भी हमेशा गोडसे की पूजा करना, मंदिर बनाना और मूर्ति की स्थापना करने के लिए देश भर में चर्चित रहता है। हिंदू महासभा की इस घोषणा के बाद जिला प्रशासन और पुलिस के कान खड़े हो गए हैं। पुलिस राष्ट्रपिता के हत्यारे की पूजा होने और मंदिर बनने से पहले भी रोकती आई है, पर हर बार हिंदू महासभा पुलिस को चकमा देकर कुछ न कुछ ऐसा कर जाती है कि देश में चर्चा शुरू हो जाती है। अखिल भारत हिंदू महासभा के ग्वालियर के जिला अध्यक्ष लोकेश शर्मा ने ऐलान किया है कि देश का विभाजन करने वाले कांग्रेस के मुखिया देश के राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी का प्रतिकार करने वाले नाथूराम गोडसे एवं नारायण आप्टे का 15 नवंबर 1949 में अंबाला की जेल में फांसी दी गई थी। हिंदू महासभा नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को देश का विभाजन करने वालों, प्रतिकार करने और फांसी पर चढ़ने के दिवस को नमन करती है। साथ ही केंद्र सरकार से मांग करती है कि गोडसे की अस्थियां आज भी अखंड भारत की संरचना होने तक विसर्जन के लिए रखी हुई हैं। भारत का विभाजन कर उसे खंड खंड कर दिया गया था। विभाजन के बाद खंड खंड हुए भारत देश को फिर से अखंड करने की अखंड भारत के संकल्प के साथ 15 नवंबर को हिंदू महासभा के सदस्य अखंड भारत बनाने का संकल्प लेंगे। हर साल गोडसे व आप्टे की बरसी पर हिंदू महासभा एवं संकल्प लेती है। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयवीर भरद्वाज का कहना है कि गोडसे और आप्टे की बरसी पर मंगलवार को हिंदू महासभा भवन पर सुबह 11:30 बजे गोडसे आप्टे का पूजन किया जाएगा। उसके बाद कार्यकर्ताओं को अखंड भारत बनाने के लिए संकल्प दिलाया जाएगा। देश का विभाजन करने वाली कांग्रेस सरकार, जिसके जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना के जिद के कारण देश का विभाजन श्री मोहनदास करमचंद गांधी जी ने किया था, उसका प्रतिकार श्री हुतात्मा नाथूराम गोडसे और हुतात्मा नारायण आप्टे ने किया। और उनका 15 नवंबर को 1949 में जो है बलिदान हुआ, उनके बलिदान दिवस को हिंदू महासभा नमन करती है। कल अखंड भारत प्रतिज्ञा दिवस के रूप में जो है हिंदू महासभा भवन में 11:30 बजे इसको मनाया जाएगा। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर, या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर, या फिर संपर्क करें 8602888590 पर।